दरअसल होता है यहाँ पे बहुत कुछ है, तो आप खरीदने आते हो एक चीज और खरीद ले जाते हो पांच सात चीजें। भाई ये क्वार्टर है क्या? सही बता, इतना कमजोर क्वार्टर। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त पीवीआर मॉल, ऑफिस से निकलकर सीधा इधर आ गया था, मतलब कुछ खरीदना था यहाँ से। और आज सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट का स्पेशल प्लान बना, दोस्तों से बात हुई, दोस्त बोल रहे हैं कि खाना चलते हैं कुछ बाहर स्नैक्स कॉर्नर पे, कुछ बढ़िया नॉनवेज खाते हैं। तो मैं पीवीआर से कुछ चीज़ खरीद लेता हूँ और खरीदने के बाद फिर अपन चलेंगे सीधा इंदिरा विहार साइड चलेंगे और कुछ बढ़िया चिकन विकन खाएंगे। दरअसल होता है यहाँ पे बहुत कुछ है, तो आप खरीदने आते हो एक चीज़ और खरीद ले जाते हो पाँच सात चीज़ें। अच्छा तीन ही है क्या? तो क्वार्टर क्वार्टर लगवा लेना, फिर और भी तो चीज़ें खाएंगे, चिकन रोल भी खाएंगे और मोमोज भी खाएंगे। आ रहा हूँ मैं, बस आ ही रहा हूँ, ये पीवीआर मॉल से निकल रहा हूँ, कुछ खरीदना था तो मैं यहाँ आ गया था पीवीआर। ठीक है भाई, दोस्तों का फोन आ गया, वो लोग पहुँच चुके हैं, तो मैं भी फटाफट से पहुँचता हूँ और पहुँच के ही मिलता हूँ आपको। ठीक है, चालू हो गया। लोग साले मेरे बैग की क्या हालत करा तू, पहुँचा नहीं है। महंगा बैग है, हाँ गियर का ना भाई, लेकिन ना महंगा महंगी बातचीत। कितने का लाया? 1000 का भाई। अरे यार बिरयानी वाला शूट लो, बिरयानी तैयार कर रहे हैं, अंकल आ गए पीछे, कोई बात नहीं। तो बेटे एवरीथिंग आने दो, कुछ रुकना नहीं चाहिए आज, सब कुछ आने दो। भाई ये क्वार्टर है क्या? सही बता, इतना कमजोर क्वार्टर। बहुत कम है यार ये तो। बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड, शुरुआत की जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ दें। बिरयानी हैदराबादी बिरयानी, चिकन टिक्का, वो गैस उड़ जाएगी। चलो चलो, वेरी गुड, मजा आ गया। तो भाई यहाँ आया अपना नया हेलमेट, नया हेलमेट आ चुका है, जल्दी से इसको ओपन करके देख लेते हैं कि कौन सा कलर आया। तो ये मेरा तीसरा हेलमेट है इस महीने, मैंने चेंज किया है, दो ऑलरेडी मंगा चुका था मैं, ऑरेंज वाला मेरे को पसंद नहीं आया था, कलर उसका थोड़ा ज़्यादा चमकीला था, तो उसके बाद सिल्वर मंगाया था, सिल्वर अच्छा नहीं था, सिल्वर वाला भी पसंद नहीं आया। ये तीसरा हेलमेट है, देखते हैं कैसा कलर है इसका। ओके क्या बात है, परफेक्ट कलर है, अच्छा है, मतलब कलर अच्छा है। मेरा जो फर्स्ट हेलमेट था वो था ग्रीन कलर का, ये इसका कार्ड है, वारंटी कार्ड, सबसे पहले इसको रख लेते हैं संभाल के अपन। अब जरा मैं हेलमेट लगा के चेक कर लेता हूँ इसकी फिटिंग वगैरह। पहले इसका जो ये वाला जो बक्कल है ना ओपन करने वाला, ये थोड़ा सा इसको मैं लूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टाइट आता है। कंफर्टेबल है काफ़ी है, एक नंबर फिटिंग है, मतलब कंफर्टेबल है, लग भी अच्छा रहा। इसको रखेंगे, ये फाइनल हो गया, मतलब अच्छा लग रहा है, मेरे को पसंद आ गया। अब जरा इसका जो वाइजर पे जो ले मेरे शायद ये भी हटा देता हूँ। ऑलराइट, क्या बात है, अपना हेलमेट एकदम धांसू लग रहा है। यहाँ एक वेंटिलेशन है, एक फ्रंट में ये वाला, बैक साइड पे ये परमानेंट वाला दे रखा है, तो काफी बढ़िया लग रहा है यार ये हेलमेट। हेलमेट का भी सीन सॉर्ट आउट हो गया, अभी से मैं बहुत ख्याल रखूंगा भाई, अब मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा हेलमेट को, क्योंकि छोड़ देते हो आप तो कोई ना कोई फिर चोरी करने की फिराक में रहता है और फिर नुकसान हो जाता है। तो नुकसान बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक हेलमेट से लगा हो जाता है आपको, आपकी एसेसरीज से लगा हो जाता है। वही सीन मेरा पिछले हेलमेट के साथ था। खैर कोई ना, अभी नया आ गया, नया हेलमेट यूज करूंगा। वारंटी आपको रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, एक्टिवेट करनी पड़ती है, तो वो अभी मैं कर लूँगा। अभी वेगा का हेलमेट है और मॉडल है एज, वेगा एज DX, और ये तकरीबन मेरे को ऑफर वगैरह लगाने के बाद, मतलब मेरे को 1200 रुपये का पड़ा, ये अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मेरे को काफ़ी पसंद आया पर्सनली, मतलब मैंने पहली बार जब खरीदा था मेरे को और दूसरा हेलमेट फिर समझ में नहीं आया, तो इसीलिए मैंने फिर यही वाला ऑर्डर किया। 8:30 बज चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है, डिनर हो गया अपना, मतलब छत पर जाके मैं थोड़ी वॉकिंग कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। दोस्तों लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ एक शूट के लिए, विला है वहाँ में कुछ शूट करना है, तो फटाफट से चलते हैं। ड्रोन पायलट और कैमरामैन वेट कर रहे हैं, चल के अपन को पहले ड्रोन शूट खत्म करना है, फिर उसके बाद कैमरा से शूट करना है, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से रवानगी लेते हैं।
दोस्तों चंबल रिवर फ्रंट का काम जो है वो जोरों शोरों पर है और ये कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है बीच में। और यहाँ देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत, मतलब ये एक बावड़ी टाइप बनाई है, कई पुरानी बावड़ियाँ जो होती है ना उस टाइप का ये कोई स्ट्रक्चर खूबसूरत तैयार किया जा रहा है, मस्त है एकदम। ये जो नज़ारा है अपन देख रहे हैं इस वक्त, मैं पूरा ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, यहाँ सामने छोटी सी एक ब्रिज भी बनी हुई है वो जो सामने नदी को जोड़ रही है। तो अब जरा अपन निकलते हैं यहाँ से, मैं शूट वाली लोकेशन पे पहुँचता हूँ फिर वहीं मिलता हूँ। तो भाई मैं लैंडमार्क पहुँच चुका हूँ, मतलब हरियाली रिसोर्ट के बाजू में खड़ा हुआ हूँ, माइलस्टोन टाउनशिप करके शूट लोकेशन। ड्रोन पायलट को अपन ने फोन कर दिया है, भाई 5 मिनट का नाम ले रहा है, तब तक मैं ये जो पीछे थड़ी है इस थड़ी पे चाय पी लेता हूँ और भाई का वेट करते हैं, जैसे ही वो आता है फिर शूटिंग लोकेशन पे पहुँचते हैं फटाफट। तो भाई शूट हो गया डन और मैं निकल चुका हूँ अभी। साइड में ये खूबसूरत सी नहर है, तो 2 मिनट यहाँ रुका था इस नज़ारे को निहारने के लिए, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। साइड पेड़ है और बीच में ये नहर निकल रही है। तो शूट कंप्लीट हो गया, अभी कल सुबह फिर से आना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अभी फिलहाल ड्रोन शूट ही कंप्लीट हो पाया, इंडोर शूट के लिए कल सुबह फिर से आना पड़ेगा। यहाँ सनसेट हो रहा है, मतलब हरियाली के बीच कितना सुकून है एकदम। मैंने सोचा 2 मिनट रुक के और निहार लेते हैं इस नज़ारे को, एक बार देखो आप लोग भी। ये नहर का पानी जा रहा है यहाँ से छूटकर, सीधा निकल रहा है शानदार। ये इसके कुछ जंग खाए हुए गेट है जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। तो अब जरा चलते हैं, रवानगी लेते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं कल सुबह। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज चुके हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ ऑलमोस्ट, शूट लोकेशन पे पहुँचते हैं क्योंकि अभी गिम्बल वाले शॉट निकालने हैं, पूरे इंडोर शूट करना है। सिनेमेटोग्राफर ऑलरेडी पहुँच चुका है वहाँ पे, तो मैं भी पहुँचता हूँ और वहीं पहुँच के मिलता हूँ।